नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एमपीपीएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि आपकी राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए रहेगा 2023 का। कितनी क्या वैकेंसी हैं, सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या कैसी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, हाइट वगैरह क्या चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। और आपका एग्जाम जो है वो कब होगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। इससे पहले आपने देखा था कि एमपीपीएससी जो सिविल सर्विस होती है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं अभी, और आपका जो है वो 17 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, वही बात की जाए तो जो राज्य वन सेवा है उसके बारे में उसमें नोटिफिकेशन में नहीं निकाला गया था, ये अलग से निकाला गया है। तो आप देखिए, यहाँ पर राज्य सेवा वन परीक्षा 2023 परीक्षा आपकी जो रहेगी वो 17 तारीख को ही रहेगी। जिस तरीके से जो आपका एमपीपीएससी जो सिविल सर्विस है उसी दिन जो है वो आपको इसका भी देखने को मिलेगा। और ये टाइमिंग दिया हुआ है सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि, दो जो है वो इसमें पेपर होते हैं और सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ एक ही रहता है। बाकी के देखिए, इसमें आयु वगैरह हो गई तो गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। और इसमें बात की जाए तो 10th में जो आपकी जन्मतिथि है उसी के आधार पर आगे हम बात करते हैं ये सब चीज़ें। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपको इसमें जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए। आप शैक्षणिक अर्हता में देखे होंगे तो राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 हेतु विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी किसी भी शाखा में आपने स्नातक किया हो, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी फील्ड में, तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर पाओगे। आगे हम देखेंगे कि परीक्षा केंद्र जो रहते हैं वो आपको जो है वो एडमिट कार्ड पर मिल ही जाएंगे जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एंड देखिए, इस बार इन्होंने किया क्या है, पहले जो फॉर्म भरे जाते थे तो यहाँ तक है आपके इसके जो फॉर्म भरे जाना है, जैसे कि आप देखोगे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और दिनांक 6/10/2023, प्रवेश पत्र जो है वो आपको 8 तारीख से होगा, यानी 6 तारीख से, यानी आज से ही जो है वो आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और इसकी आवेदन ऑनलाइन अंतिम तिथि जो रहेगी वो 2/11/2023 तक रहेगी। देखिए, पहले क्या होता था कि दोनों साथ में निकाले जाते थे तो उसकी फीस वगैरह जो है वो आपको एक साथ ही रहती थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए, यहाँ पर रिजर्वेशन जो पहले था 87% और 13% के आधार पर जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा जब कोर्ट का आदेश हो जाएगा, उस हिसाब से फिर रहेगा। तो वो अभी भी अटका हुआ है, तो जैसे कि अभी पिछली परीक्षाएं हुई उसी आधार पर जो है वो रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। इसमें जो टोटल पद हैं वो निकाले कितने हैं, जैसे कि सहायक वन संरक्षक, ठीक है, सहायक वन रक्षक यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के जो है वो आप कुल पद 13 देखोगे, वन क्षेत्रपाल जिसे हम फॉरेस्ट रेंजर बोलते हैं उसके जो है वो 126 पद निकाले गए हैं। काफ़ी संख्या में पद देखने को मिले हैं, लेकिन एक बात इसमें नोटिस करने वाली बात है कि जो अनारक्षित वर्ग हैं उसमें केवल जो है वो 4 पद हैं जो सहायक वन संरक्षक हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद और EWS के लिए 1 पद, लेकिन जो वन क्षेत्रपाल यानी जो फॉरेस्ट रेंजर हैं उनके लिए ना तो UR के लिए पद है, ठीक है, और ना ही आप यहाँ पर OBC के लिए देखोगे और ना ही EWS के लिए, यानी जो 126 पद जो निकाले गए हैं उसमें से 54 पद अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 72 पद निकाले गए हैं। तो आप देख सकते हो बाकी के जो कैटेगरी के हैं उनके लिए कुछ भी पद नहीं देखने को मिल रहे हैं फॉरेस्ट रेंजर, ST ST के लिए ही हैं। तो ये मेरे हिसाब से गलत किया हुआ है। जाहिर सी बात है जो अनरिजर्व कैटेगरी हो गए, OBC हो गए, EWS के हो गए, उनके लिए भी पद निकालना चाहिए था। जब आप इतना पद निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है ये कॉमन सेंस है, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे क्या कैसा रहता है, पद बढ़ते हैं या कुछ ऐड होंगे या नहीं होंगे, वो आने वाले देखने में समय मिलेगा। आगे देखिए, यहाँ पर सहायक वन संरक्षक जिसमें जो द्वितीय श्रेणी की है इसमें सैलरी जो रहेगी आपकी 57,100 यानी 56,100 और 1,70,500 के
देखने को मिलेगी। बाकी महंगाई भत्ते वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं सातवें वेतन के अनुसार, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में। मापदंड हम आगे देख लेंगे। इसमें देखिए वन क्षेत्रपाल यानी जो रेंजर के पद हैं उनमें 36,200 से 1,14,800 सैलरी रहने वाली है, ये भी इस श्रेणी की है। वेतन भत्ते वगैरह ये सब देखिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में देखिए आप यहाँ पर जो ऊंचाई है अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। वहीं जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए रहेगा 145 सेंटीमीटर। सीने की जो परिधि है 79 होना चाहिए पुरुषों के लिए और यहाँ पर महिलाओं का भी कहा गया है 79 जो है वो पुरुषों और 74 सेंटीमीटर जो है वो महिलाओं के लिए, ओके। तो न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर सेम ही है दोनों का, तो पूर्ण विस्तार के बाद जो है वो 84 हो जाएगा पुरुषों के लिए और 79 हो जाएगा महिलाओं के लिए। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे आपको पैदल चलना है, ठीक है, 4 घंटे पैदल चलना है जो कि 25 किलोमीटर जो रहेगा, तो ये जो रहेगा वो वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल हेतु रहेगा, जो फॉरेस्ट रेंजर वाले होते हैं उनके लिए रहेगा। 16 किलोमीटर जो रहेगा वो महिलाओं के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये जो है वो आप देखोगे यहाँ पर बाकी के जैसे कि सारे जो मेडिकल हैं दृष्टि विभाग वगैरह ये सब चीज़ें आपको फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। 21 से 40 वर्ष जो है वो होनी चाहिए सहायक वन संरक्षक में और वन क्षेत्रपाल हैं 21 से 33 वर्ष जो है वो इनका। बाकी रिजर्वेशन रहेगा वो अलग है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशन रहेगा। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे हिसाब से सारी मैंने आपको बता दी है। कब आपको पेपर होना है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और मैं आगे और भी देख लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आगे। आयु छूट वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर 3 वर्ष छूट भूतपूर्व सैनिक रहेंगे, 5 वर्ष की छूट जो है वो जो सरकारी कर्मचारी हैं अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो गए निगम मंडल स्वास्थ्य संस्था में जो कर्मचारी उनके लिए 5 वर्ष रहने वाला है, ठीक है। तो बाकी का यहाँ पर आप देख सकते हो महिला हो गए उनके लिए 5 वर्ष जो दिव्यांग अनारक्षित और आरक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए रहेगा सहायक वन संरक्षक के लिए, ओके। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। तो पोस्ट तो अच्छी हैं, बस गड़बड़ यही है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं उनके लिए पद नहीं निकाले गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में 50% जो आबादी है OBC की है, ठीक है, लगभग जो है वो 50% OBC देखने को मिलते हैं, तो उसके पद ही नहीं निकाले गए हैं, सिर्फ 4 पद जो है वो सहायक वन संरक्षक। खैर आगे देखते हैं क्या कैसा अपडेट देखने को मिलता है। फिलहाल आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको क्विज देखने को मिलती है शाम को 8 बजे, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर जो है वो कर पाओगे। मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।